कांग्रेस की पहली सूची में ही खरगोन जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस ने अपने वर्तमान विधायक खरगोन से रवि जोशी, कसरावत से पूर्व मंत्री सचिन यादव, महेश्वर से पूर्व मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो, भिकनगांव से झुमा सोलंकी पर विश्वास जताया है। वहीं कांग्रेस छोड़ बीजेपी में गए बढ़वा विधायक सचिन बिरला की जगह गुर्जर समाज के नरेंद्र पटेल को टिकट देकर चुनाव को रोचक बना दिया है। वहीं भगवानपुरा से निर्दलीय विधायक केदार डावर को उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस ने अपनी गलती को सुधारा है। 2018 में विधानसभा चुनाव में भाजपा का खरगोन जिले में सफाया हो गया था। खरगोन से विधायक रवि जोशी को उम्मीदवार वापस बनाए जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जमकर उत्साह देखा गया। आतिशबाजी कर मिठाई बांटकर कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की। उम्मीदवारी घोषित होने के बाद विधायक रवि जोशी ने गणेश मंदिर में भगवान श्री गणेश और देवी माता की पूजा अर्चना कर चुनाव प्रचार की शुरुआत भी कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। कांग्रेस की सूची जारी हुई है और सभी 6 विधानसभाओं के लिए प्रत्याशी खरगोन जिले से घोषित हो गए। आपका भी नाम है और क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी और प्रदेश कांग्रेस के हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी को निमाड़ के जो टिकट तय कर दिया, खरगोन जिले के 6 टिकट, बड़वानी जिले के टिकट दिए, खंडवा जिले के दिए और प्रदेश में 144 टिकट दिए की सूची जारी करी, उसके लिए मैं उन लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और उन्होंने जिस विश्वास से हमको टिकट दिया है उस विश्वास को खंडित नहीं होने देंगे, उस विश्वास को बरकरार रख के सारे लोग निमाड़ की पिछले 2018 का परिणाम है उसी परिणाम को दोहराते हुए खरगोन जिले की 6 सीट जीत के कांग्रेस पार्टी की झोली में देंगे, कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। क्या मुद्दे रहेंगे? गरीब के कल्याण के मुद्दे होंगे। 15 महीने में जो काम शुरू किए थे, जो अधूरे हैं, उन कामों को पूरा करेंगे। कांग्रेस का वचन पत्र 1-2 दिन में जारी हो रहा है, उस वचन पत्र पे हम 5 साल तक गरीब के कल्याण के लिए, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक तमाम भाइयों के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगार साथियों के लिए रोजगार के साधन की जो वचन पत्र में है उस पर काम करेंगे और पूरे वचन पत्र पर काम करके गरीब के कल्याण की योजना बना के काम करेंगे। आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।